प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए हम पहले उसे रैशनल मानते थे नंबर को, फिर हम प्रूव करते थे कि ये रैशनल नहीं है, दैट मीन्स जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है। यही सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, अज्यूम करेंगे कि हमने जो प्रूव करेंगे कि जो हमने जो अजम्पशन लिया था वो गलत है। तो हम ये मान लेते हैं, हमें प्रूव ये करना है कि वो टेंजेंट, एक टेंजेंट है सर्कल पर, उस टेंजेंट पे हमने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सपोज, ठीक है, कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पी पॉइंट है सपोज, दिस इज पी पॉइंट। तो हमें ये मानना है कि ये परपेंडिकुलर यहाँ ओ से ना पास होकर के दूसरे पॉइंट से पास हो रहा है, ये हमें अज्यूम करना है, प्रूव करना है इसका उल्टा। आ गया समझ में? ठीक है, तो हम एक और पॉइंट ले लेते हैं इसके पास भी, सपोज ये ले लेते हैं ओ डैश ले लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है दोनों को, तो कंस्ट्रक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। लिखना क्या है, तो गिवन क्या है हमें, ये तो टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट का आपने नाम दे दिया सपोज ए बी, ये बी पॉइंट ले लिया आपने। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए बी इज अ टेंजेंट वेयर पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट, ठीक है। तो अब यहां पर आपको सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन टेक टेंजेंट पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे आप, टेक एनी पॉइंट ओ डैश एक्सेप्ट द सेंटर, सेंटर के अलावा एक पॉइंट लीजिए ओ डैश जिसका नाम दे दिया हमने, ठीक है, एंड ज्वाइन ओ पी एंड ओ डैश, ज्वाइन ओ पी एंड ओ डैश, ठीक है, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद में प्रूफ यहां पर करेंगे आप, तो प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में अब स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें पता है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा AB पे, रीजन क्या है इसका, OP AB पर परपेंडिकुलर क्यों होगा बताओ, हमने थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 10.1, यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हो आप, दैट OP इज द रेडियस, OP इज द रेडियस एंड OP AB is the tangent, तो OP is perpendicular to AB, theorem 10.1, यहाँ पे 10.1 का statement लिखना है आपको basically, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर, आपको इसका statement लिखना है, ठीक है। तो OP is perpendicular to AB, अब इसका मतलब क्या है कि angle OPB, angle OPB क्या होगा, 90 degree का होगा, ठीक है, लेकिन हमने assume क्या किया है कि मान लो ये परपेंडिकुलर है ही नहीं, परपेंडिकुलर है पीओ डैश, ये हमने अज्यूम किया है। लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्राडिक्शन, लेट अस अज्यूम दैट द परपेंडिकुलर पासिस थ्रू, अज्यूम द परपेंडिकुलर पासिस थ्रू ओ डैश, O की बजाय O डैश से पास होता है परपेंडिकुलर, यानी ये लाइन ना होकर के ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल O डैश पी बी, ये 90 डिग्री होना चाहिए, फिर अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, राइट, दैट मीन्स एंगल ओ पी बी बराबर होना चाहिए एंगल O डैश पी बी, और ये तो तभी होगा ना जब O और O डैश कौन सा ही करें, एक दूसरे के ऊपर आए, ओ और ओ डैश दोनों एक ही पॉइंट पर लाई करे, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज ऑनली पॉसिबल, इसके आगे यहाँ तक नोट कीजिए, इसके आगे लिखिए, यस, तो इस ये वाला जो चीज है एंगल ओ पी बी एंगल ओ डैश पी बी के बराबर होगा, ये तभी पॉसिबल है जब ओ और ओ डैश एक दूसरे को कॉन्साइड करे, यानी लाई करे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद आपको लिखना है दिस इज पॉसिबल ओनली वेन, O and O dash
कोइंसाइड, ठीक है, कोइंसाइड. सो आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग. ठीक है, हमारा जो अजम्पशन था दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन के हमने माना था कि ओ और ओ डैश अलग अलग पॉइंट्स है, ये हमने कॉन्ट्राडिक्ट अज्यूम किया था, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा इसका. ठीक है बेटा, तो आप यहाँ लिखेंगे लास्ट में दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ओ एंड ओ डैश कॉइंसाइड. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, जो हमने माना था कि ओ एंड ओ डैश अलग अलग पॉइंट्स है. एंड द परपेंडिकुलर, जो हमने प्रूव क्या किया, हमने प्रूव ये किया है कि टेंजेंट पे कभी भी कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा सेंटर से पास होगा, ना कि किसी और पॉइंट से. ओके, डन. चलिए नोट कीजिए. ओके, क्लास क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन कर देती हूँ. द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, सुनिए ध्यान से, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर. एक पॉइंट ए है कोई, एक सर्कल पर उस पॉइंट पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई है. सपोज दिस इज अ पॉइंट, पॉइंट ए, यू हैव ड्रॉन अ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू अ सर्कल, राइट. सो आगे आपसे पूछा है यहाँ पे एट अ डिस्टेंस, पॉइंट ए कितना, कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर ऑफ द सर्कल से, सर्कल के सेंटर से ये पॉइंट 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है. तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है, टेंजेंट की लेंथ है, रेडियस है, क्या है, ये क्लियरली आपको पता चलना चाहिए क्वेश्चन पढ़कर. ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. तो मुझे बताओ 4 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, टेंजेंट की लेंथ. क्वेश्चन समझ में आ गया, पढ़ना आना चाहिए लाइन आपको, वरना कुछ नहीं हो पाएगा. शुरुआत हुई है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट से और वो उन्होंने लास्ट में बताया, बीच में क्या बताया, इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस. तो टेंजेंट की लेंथ आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर. अब आपको फाइंड क्या करना है, रेडियस. आपको क्या मालूम है, आपको ये पता है कि जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट होती है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है. इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज वेरी इजी. तो इन पॉइंट्स के नाम ले लीजिए, दिस इज ओ, दिस इज पी सपोज. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं. इन ट्रायंगल हमें पता है कि ओपी जो है, इन ट्रायंगल ओपीए वी नो दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू, बताओ कौन सी लाइन के परपेंडिकुलर होगा ओपी, चलो बताओ जल्दी फटाफट. ओपी इज द रेडियस, ये किसके परपेंडिकुलर होगा, एपी के, टेंजेंट के. तो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एपी, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा. इसका मतलब ये बेस या परपेंडिकुलर हो गया, ये वाली लाइन क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज. क्या आपको इसमें जरूरत है कैलकुलेट करने की कुछ भी, ये 5 है ये 4 है तो कितना होगा, 3 सेंटीमीटर. वेरी इजी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर लोगे ना. कैसे करोगे, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लेना, दो की वैल्यूज आपके पास है, एक की आपको निकाल लेना, क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके क्लास, तो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. ये आपके स्टैंडर्ड का जो पेपर है ना मैथ्स का, उसमें आ चुका है. ठीक है, 2020 में. तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. क्या बोला, देखिए क्वेश्चन में, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल. दो छोटे दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है. कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो, जिनका सेंटर सेम हो, रेडियस अलग हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सर्कल बना, इसका एक सेंटर है, इसी सेंटर के साथ दूसरा सर्कल बना लें किसी और रेडियस का, कुछ इस तरीके से. ये आपने देखा होगा जो टारगेट शूटिंग वगैरह करते हैं उसमें भी देखा होगा आपने, शूटिंग करते हैं उसमें टारगेट ऐसे ही होता है ना, इनके अंदर कंसेंट्रिक सर्कल्स बने होते हैं. और भी कई जगह देखा होगा कंसेंट्रिक सर्कल आपने, क्या आज ही में वही टारगेट वाले. तो ये कंसेंट्रिक सर्कल है. आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए. टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. हिना बताओ जरा, ये अंदर वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, अंदर वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, बोलिए, और बाहर वाले की. आपको कैसे पता चला इसकी रेडियस 3 होगी 5 नहीं होगी,
और इसकी हाइट है, ठीक है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन में ये चीज हमें पता चल गई कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, उनकी रेडियस हमें मालूम है। क्वेश्चन में पूछा गया, आगे देखिए क्या दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। दिस इज द सेंटर। अब मुझे बताओ क्या आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम है? अच्छा, अब मुझे बताना जरा, ये 3 है, क्या आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर बड़े वाले सर्कल की रेडियस। आपको ये डिस्टेंस निकालना है। आप ट्रिपलेट याद कराए थे मैंने आपको, ट्रिपलेट याद कराए थे, क्या कौन सा, ये हाइपोटेन्यूज 5 दे रखा और एक दूसरा नंबर 3 है, 4 सेंटीमीटर, ये 4 होगा। और हमें पता है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये हमने कब पढ़ा था? 9th में पढ़ा था, ठीक है। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा इधर, तो कॉर्ड की टोटल लेंथ कितनी होगी? कुछ करना ही नहीं पड़ा, ऐसे ही सॉल्व हो गया। मैं इसको करेंगे किस तरीके से आप मैं वो बता देती हूँ, ठीक है। सॉल्व कर लो या कर लो, ये कर लो, इसे लिखना ही तो है, बस जो जो हमने किया है इसको लिखना है। पार्थ तो अप्लाई करती है थ्योरम 10.1 अप्लाई करती है सबसे पहले, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, एक सर्कल है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। एक सर्कल है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है, देखो जैसे मान लो ये लिखा है दैट क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग, क्वाड्रिलेटरल, सपोज ये लिखा है क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अगर ये चीज लिखी है इसका मतलब सर्कल अंदर है और क्वाड्रिलेटरल बाहर है, सर्कल भी सर्कमफेरेंस को कवर कर रहा है क्वाड्रिलेटरल, समझ आ रहा है? क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कल के ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बना हुआ है। बोलो अभी समझ में आया क्या क्वेश्चन था? आ गया? यस, ये अगर इसका उल्टा बोल रहा होता तो सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पे सर्कल जो है वो क्या था, अगर उल्टा होता है इसका सर्कल इस सर्कल स्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल, तो बाहर क्या चीज होती, सर्कल बाहर होता और क्वाड्रिलेटरल उसके अंदर बना होता है, जिसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं। बात आ गई समझ में? तो आपको इसे ध्यान से पढ़कर देखना है कि किसको इन्होंने बताया गया, कौन सर्कमस्क्राइब कर रहा है, जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो चीज बाहर होगी, जिसको कर रहा है वो चीज अंदर होगी। क्लियर हुआ? सर्कमस्क्राइब का मतलब बाउंड्री को कवर करना, क्लियर है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है दैट AB प्लस CD, अच्छा यहाँ पे ABCD क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया हुआ है बेटा, ठीक है, तो आप इसे क्वाड्रिलेटरल के नेम का ले लीजिए, ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल का नाम है। आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ That AB plus CD is equal to AD plus CD. आप देखो, देखने में लग रहा होगा क्वेश्चन क्या ही है, पर ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ज्यादा आसान है, एक मिनट में सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ एक मिनट में। थ्योरम कौन सी यूज करेंगे आप इसमें? 10.2। सबसे पहले तो आप गिवन लिख देना, ठीक है, गिवन लिख देना दैट ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल, बस ये तो दिया हुआ है हमें, और ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ था ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, बस ये लिखना है यहाँ पर, ठीक है। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ये गिवन है, प्रूव हमें ये करना है, चलिए प्रूव स्टार्ट करते हैं।
अब आपको याद होगा बच्चों, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि बाहर किसी एक पॉइंट से अगर हम एक सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनाए, बल्कि हमने एक्टिविटी से प्रूव भी करके देखा था कि अगर हम एक पॉइंट से एक सर्कल पे टेंजेंट बनाते हैं तो दो टेंजेंट बनती है मैक्सिमम, और दोनों की लंबाई बराबर होती है, दोनों की लेंथ बराबर होती है। तो देखो यहाँ पे चार पॉइंट है बाहर सर्कल के, चारों पॉइंट से दो दो टेंजेंट ड्रॉन है। ध्यान से देखो, पॉइंट ए से दो टेंजेंट ड्रॉन है, एक ये है और एक ये है। चलो इसका नाम दे देते हैं, इस सपोज इस पॉइंट का नाम है पी। अच्छा डायग्राम बना हुआ, ओके दिखाना। ओके ठीक है, पी इस पॉइंट का नाम है क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस, ठीक है। तो पी क्यू आर एस ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। टेंजेंट में दिखा देती हूँ कौन कौन सी है। ए पॉइंट से टेंजेंट का नाम बताना, ए पॉइंट से जो है ए पी और ए एस, फ्रॉम पॉइंट ए दो टेंजेंट ड्रॉन है, टेंजेंट ए पी एंड ए एस आर ड्रॉन। तो अगर ऐसा है तो ये दोनों टेंजेंट्स की लंबाई बराबर होगी, ए पी बराबर होगी किसके, ए एस की। बताओ कौन सी थ्योरम लगेगी, उसका स्टेटमेंट लिखना है आपको यहाँ पे, थोड़ा लंबा है वो लिख देना, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है समझ में आ गया। इसी तरीके से बी पॉइंट से बताना कौन, तो ये दोनों बराबर होंगे, बी पॉइंट से बताना कौन सी है, बी पी बराबर होगी किसके, बी क्यू के। चलो सी पॉइंट से बताओ, सी क्यू बराबर सी आर, यहाँ से आवाज नहीं आ रही, सी क्यू इक्वल टू सी आर। अच्छा यहाँ से बताओ, डी आर इज इक्वल टू, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो इक्वेशन नंबर इसको नाम दे दीजिए वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर। चलो अभी क्या करना है आगे हमें, इनको ऐड करना है, चारों इक्वेशंस को ऐड करना है। तो ऐड इक्वेशन नंबर वन टू थ्री एंड फोर, चार इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है और राइट हैंड साइड में ऐड करना है। क्या मिलेगा, एपी प्लस बीपी प्लस सी क्यू प्लस डी आर इज इक्वल टू इधर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस पी एस, पी एस नहीं है डी एस है, ठीक है डी एस। अब आते हैं जो हमें प्रूव करना है, उस पर वापस आते हैं। हमें प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी लेफ्ट हैंड साइड पे। ए बी कैसे बनेगा, देखो ए बी बनेगा ए पी और बी पी को जोड़कर। ए बी कैसे बन रहा है, ए पी प्लस बी पी को ऐड करके। तो हम यहाँ क्या, यहाँ पर भी ए पी और बी पी हमें मिला हुआ है, तो इनको ऐड करके कितना आ जाएगा बताओ, क्या लिख सकते हैं ए बी। अच्छा सी क्यू और डी आर, सी क्यू और डी आर, सी क्यू और ए आर डी क्यू, सी क्यू और एक कुछ इसमें वो है। अच्छा यहाँ पे सी क्यू में क्या ऐड करना था, बी क्यू ऐड करना था ना। देखो बताती हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने इस तरीके से इसे लिखा है ना, सी क्यू इक्वल टू सी आर, इसको हाँ इसको इस तरफ कर दो, इस तरफ कर दो, कैसे कर, और यहाँ पर भी कर सकते हो, उसको इधर ले आओ जिसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें डी आर की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि डी आर तो किस में जुड़ेगा, सी आर में जुड़ेगा। तो डी आर और सी आर एक साथ होने चाहिए और बी क्यू और सी क्यू एक साथ होने चाहिए। तो बी क्यू को इधर ले आओ, ठीक है, और इसको इधर ले जाओ, माइनस माइनस साइन चेंज होंगे, कॉमन होके वो सॉल्व हो जाएगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर आप सी क्यू, और इस चीज का ध्यान ना स्टार्टिंग में भी रख सकते हो, कैसे रख सकते हो मालूम है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो बी क्यू ए, ये तो बी पी तो ठीक है, बी पी इक्वल टू बी क्यू, यहाँ पे सी आर और यहाँ पे सी क्यू आ जाए, ठीक है ना, सी आर और डी आर, अब सही है, ठीक है। ये देखिए सी डी आ गया ऊपर, ये देखो भाई ये इक्वली तो है, आप इसे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। अब आगे समझ में, तो चारों को जोड़ दिया, ए पी प्लस बी पी ऐड किया तो ए बी मिला,
और सी आर और डी आर एड किया तो सी डी मिला। यहाँ पे क्या चेंज हुआ था, सी आर की जगह सी क्यू आया है। तो ए एस और डी एस को जोड़ा तो आपको मिला ए डी। आप चाहो तो इन्हें साथ में भी लिख सकते हो, एक लाइन और करके इसे इन्हें साथ में भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो। तो ए डी प्लस बी सी बी सी, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, हो गया है। क्या एक बार और समझ